असल उनके फ्रेंड देखे कि मैं रास्ते में जा रहा था, ये ओले पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओले हैं, यानी कि बारिश के गड़े जिसे कहते हैं, और लोगों की फसलें भी जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुकी होंगी। ये देखिए मैं एक पकड़ के आपको दिखा रहा हूँ, अल्लाह से तौबा तय हुए हैं और यकीन करें कि अल्लाह नाराज़ है, बिल्कुल अल्लाह नाराज़ है। ये मेरे हाथ में रखा हुआ है ओला और ये बर्फ़ जो है काफ़ी पड़ रही है बाहर, और भी बस यकीन माने कि ये अल्लाह ताला नाराज़ है बस, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमें आम दी हुई है, हमने खुद महंगी की हुई है। और आटा जो है, आटे की वजह से हमारे चिश्ती शहर में दो औरतें मर गई हैं, ये जो फ्री थैली दे रहे हैं। तो अब अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, उसके बावजूद जो है कि हम नेमतों से महरूम हैं, क्योंकि हम जो है एक दूसरे का साथ भी नहीं देते और हुकूमत जो हमारी वो नाहल है, और पाकिस्तान का कोई वाली बारिश नहीं, अल्लाह बारिश है। अब ये देखें व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है और अल्लाह बारिश है। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि ओले पड़ रहे हैं, गड़े जिसे कहते हैं, गड़े पड़ रहे हैं यहाँ पे मोटे मोटे, आपने पहले भी देखे हैं लेकिन अब कुछ हल्के हो गए हैं। और मैं जा रहा था रास्ते में, ये बहुत ज़्यादा बारिश हुई और ओले पड़ने शुरू हो गए, और एक पंप पर खड़े हैं भावनगर रोड पर, तो वहाँ पे हमने किया स्टे। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा ओले पड़ रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं बारिश का कितना ज़ोर है, साथ आंधी भी है और साथ बारिश भी है। जी व्यूअर्स, बारिश थम चुकी है, अब यहाँ से जाएंगे आगे, और जैसे कि लोगों का जाना वापसी पे शुरू हो गया है, जब बारिश थम चुकी है, ये कुदरत वाले के काम है, बहुत ज़्यादा ओले पड़े हैं जिसे हम गड़े कहते हैं, और फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है, फसलें जारी सी बात है, फसलें तबाह हो गई होंगी। बाकी ये हमारी अमाल है जो हमारे आगे आते हैं, आटा जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा लोगों को, ये फ्री का एक नाम ही चल रहा है, तो जारी सी बात है अल्लाह नाराज़ है, अल्लाह को राज़ी हम नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ज़्यादा ओले पड़े हैं, आपने देखे हैं। तो अभी वैसे खुदाया कि अल्लाह से तौबतें हैं और जो कि इंसानियत के काम करें, मेरा ये पैगाम है। और ये आज की बारिश मुझे रास्ते में पड़ी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ।